दिल्ली में आज ऑड नहीं इवन का दिन है। कल से शुरू हुए ऑड इवन पार्ट टू का आज दूसरा दिन है। पहले दिन अपनी कार के नंबर की परवाह किए बगैर निकले करीब 1311 मुसाफिरों के चालान कटे। दिल्ली सरकार ने दूसरे फेज को कामयाब बनाने के लिए पूरी मशीनरी झोंक दी है। हजारों की तादाद में ट्रैफिक पुलिस, एनफोर्समेंट अफसर और वॉलंटियर्स ऑड इवन को सुनिश्चित करने में लगे हैं। दिल्ली में ऑड इवन लागू होते ही एनसीआर और आसपास के इलाकों में सीएनजी स्टिकर की किल्लत हो गई है। गाजियाबाद में सीएनजी पंप पर स्टिकर नहीं मिलने से लोगों को खासी परेशानी हो रही है। संचालकों का कहना है कि इसके लिए सभी सीएनजी पंप चालकों को नोटिस मिला है कि दिल्ली के सीजीओ कॉम्प्लेक्स में ही स्टिकर दिए जाएंगे। सीएनजी कारें ऑड इवन से मुक्त हैं। 30 हजारी और कश्मीरी गेट के बीच आई तकनीकी खराबी से करीब 3 घंटे मेट्रो सेवा बाधित रही। दिल्ली में ऑड इवन पार्ट टू लागू होने से भी मेट्रो पर बोझ ज्यादा बढ़ गया है। दिल्ली में पहले दिन ऑड इवन की पहरेदारी में निकले परिवहन मंत्री गोपाल राय मेट्रो में आई खराबी का जायजा लेने शास्त्री पार्क स्टेशन पहुंचे। जायजा लेने के बाद परिवहन मंत्री ने कहा कि इस मामले की जांच के लिए कमेटी बनाई गई है जो जल्द ही रिपोर्ट देगी। दिल्ली के बिंदापुर इलाके से लापता युवक की लाश समयपुर बादली की नहर से मिलने से सनसनी फैल गई है। मृतक के परिवार वालों ने हत्या की आशंका जाहिर की है। पुलिस आगे की कार्रवाई के लिए पोस्टमार्टम रिपोर्ट का इंतजार कर रही है। दिल्ली में बदमाश बेखौफ हैं। मामला गीता कॉलोनी इलाके का है जहां वर्चस्व की लड़ाई में बदमाशों की आपसी दिल्ली के पंचकुया रोड के एक फर्नीचर बाजार में भीषण आग लग गई। आग इतनी भयानक थी कि एक दुकान से फैली आग ने देखते देखते 6 दुकानों को चपेट में ले लिया। दमकल की 7 गाड़ियों ने घंटों की मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया। मुंबई में बीती रात कार और बस की टक्कर में एक शख्स की मौत हो गई। चश्मदीदों के मुताबिक सड़क के किनारे खड़ी कार में एक तेज रफ्तार बेकाबू बस ने टक्कर मार दी, जिसमें कार में से सवार 3 लोगों में से एक की मौके पर मौत हो गई। मुरादाबाद में एक शराबी पति ने अपनी पत्नी पर तेजाब डाल दिया। बताया जाता है कि पति ने पत्नी पर चरित्रहीनता का आरोप लगाते हुए उसे तेजाब से जला दिया और फरार हो गया। पत्नी की हालत गंभीर है जिसका नजदीकी अस्पताल में इलाज चल रहा है। पुलिस मामला दर्ज कर पति की धरपकड़ में लग गई है। जबलपुर में रामनवमी के मौके पर शंकराचार्य स्वामी स्वरूपानंद के भक्तों और पुलिस में जमकर झड़प हुई। दरअसल भक्त शोभा यात्रा का रास्ता रोककर जुलूस में शामिल हिंदू देवी देवताओं को हटाने की मांग पर अड़ गए, जिस पर पुलिस को बल प्रयोग करना पड़ा। कोटा में भीड़ ने एक शख्स की हत्या कर दी। मामला आपसी रंजिश का है। पुलिस के मुताबिक रंगबाड़ी निवासी विनीत पाठक और उसके दोस्त मुकेश का 1.5 महीने पहले कुछ लोगों से झगड़ा हुआ था। हालांकि पुलिस ने बीच बचाव कर मामले को सुलझा दिया था, लेकिन दोनों गुटों में फिर विवाद बढ़ा और दूसरे गुट ने विनीत और मुकेश पर जानलेवा हमला कर दिया। मुकेश तो जान बचाने में कामयाब रहा, लेकिन विनीत भीड़ के हत्थे चढ़ गया। पुलिस हत्यारों की धरपकड़ में लगी है। पटना में मनचलों का आतंक इस कदर बढ़ गया है कि लड़कियों का सड़क पर चलना दुश्वार हो गया है। ताजा मामला मेहंदीगंज इलाके का है जहां मनचलों ने एक छात्रा को बदनाम करने के लिए मोहल्ले की दीवारों पर अश्लील फक्तियां लिख डाली। बताया जा रहा है कि छात्रा मनचलों की छेड़खानी से परेशान होकर घर से निकलना ही बंद कर चुकी है। लड़की के परिवार वालों ने मनचलों के खिलाफ पुलिस में शिकायत की है। पुलिस अब मनचलों की तलाश में है। अहमदाबाद पुलिस ने ड्रग्स की एक बड़ी खेप जब्त की है। पुलिस ने करीब 1300 किलो एफोडिन पाउडर बरामद किया है। इस पाउडर का इस्तेमाल ड्रग्स बनाने के लिए होता है। जब्त पाउडर की कीमत अंतरराष्ट्रीय बाजार में 270 करोड़ है। पुलिस ने इस मामले में एक शख्स को गिरफ्तार किया है और पूरे नेटवर्क को खंगाल रही है। राजस्थान के झुंझुनू में एक शख्स का शव मिलने के बाद सनसनी फैल गई। शव के हाथ, कंधे और गले पर चोट के निशान हैं। शव की शिनाख्त ओम प्रकाश जाट के रूप में हुई है। ओम प्रकाश के परिवार वालों ने हत्या की आशंका जाहिर की है। पुलिस ने अज्ञात लोगों के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर मामले की जांच शुरू कर दी है। बैंकों से धोखाधड़ी के मामले में फंसे कारोबारी और राज्यसभा सांसद विजय माल्या के खिलाफ ईडी ने शिकंजा कसना शुरू कर दिया है। एक तरफ माल्या का पासपोर्ट 4 हफ्ते के लिए निलंबित कर दिया गया है, वहीं दूसरी तरफ उनके खिलाफ गैर जमानती वारंट की तैयारी की जा रही है। ईडी ने गैर जमानती वारंट के लिए PMLA यानी प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग कोर्ट का दरवाजा खटखटाया है, जिस पर आज दोपहर 2:30 बजे सुनवाई होनी है।
घाटी में आज अलगाववादियों ने बंद का ऐलान किया है। कुपवाड़ा में सेना की गोलीबारी में मारे गए लड़के की हत्या के विरोध में हुर्रियत कॉन्फ्रेंस और जेकेएलएफ ने बंद बुलाया है। मुख्यमंत्री महबूबा मुफ्ती ने भी इस घटना की कड़ी निंदा की है। घाटी में बंद को देखते हुए सुरक्षा के कड़े इंतजाम किए गए हैं। पंजाब चुनाव को लेकर कांग्रेस ने तैयारियां जोर शोर से शुरू कर दी हैं। कांग्रेस उपाध्यक्ष राहुल गांधी आज मोहाली में मिशन 2017 की शुरुआत करेंगे। राहुल गांधी पार्टी नेता और कार्यकर्ताओं के साथ बैठक भी करेंगे। बैठक का आयोजन चुनाव रणनीतिकार प्रशांत किशोर ने किया है। बैठक में अकाली बीजेपी गठबंधन और सूबे में तेजी से उभरती आम आदमी पार्टी के खिलाफ चुनावी रणनीति पर माथापच्ची की जाएगी। उत्तर प्रदेश बीजेपी के नए मुखिया केशव प्रसाद मौर्य पार्टी की कमान संभालने के बाद पीएम नरेंद्र मोदी के संसदीय क्षेत्र वाराणसी पहुंचे। मौर्य ने कहा कि उनका लक्ष्य उत्तर प्रदेश को एसपी बीएसपी मुक्त उत्तम प्रदेश बनाना है। मौर्य ने दावा किया कि 2017 में बीजेपी प्रचंड बहुमत के साथ उत्तर प्रदेश की सत्ता पर काबिज होगी। विवादों में फंसे महाराष्ट्र के कृषि मंत्री एकनाथ खड़से के हेलीपैड बनाने के मामले ने तूल पकड़ लिया है। सूखे की मार से त्रस्त लातूर में मंत्री जी के हेलीपैड पर 10,000 लीटर पानी की बर्बादी पर विपक्ष बिफर गया है। मंत्री जी लातूर के करीब वेलुकुंड में पानी की टंकियों का उद्घाटन करने पहुंचे थे। एनसीपी का कहना है कि कृषि मंत्री हेलीकॉप्टर की बजाय कार से भी आ सकते थे। बीजेपी ने जवाब दिया कि हेलीकॉप्टर से आना जरूरी था। पटना में लंबे अरसे बाद मुख्यमंत्री नीतीश कुमार एक मंच पर बीजेपी नेताओं के साथ दिखे। पटना में बीजेपी ने राम नवमी महोत्सव का आयोजन किया था, जिसमें नीतीश कुमार मुख्य अतिथि के तौर पर शरीक हुए। सबके साथ मिलकर नीतीश कुमार ने भगवान राम की आरती की। सूखे से कराह रहे महाराष्ट्र के बीड की हालात का जायजा लेने फिल्म स्टार आमिर खान पहुंचे। आमिर ने सूखा प्रभावित लोगों की सहायता के लिए एक वेबसाइट का जिक्र किया, जिसके जरिए लोग सीधे प्रभावित गांवों को राहत राशि दे सकते हैं। महाराष्ट्र के बुलढाणा के एक गांव की मदद पूर्व क्रिकेटर सचिन तेंदुलकर कर रहे हैं। दरअसल गांव के मुखिया ने गांव के विकास के लिए सचिन तेंदुलकर से मदद मांगी। मुखिया ने सचिन को चिट्ठी लिखकर गांव के मौजूदा हालात की जानकारी दी और गांव की तरक्की में उनका सहयोग मांगा। सचिन ने इस गांव की मदद का जिम्मा उठा लिया है। पटना में सूरज आग उगल रहा है। तापमान 42 डिग्री के करीब पहुंच गया है। भीषण गर्मी की वजह से पटना के किनारे बहने वाली गंगा भी सिमटने लगी है। गंगा सूखकर नहर और नालों जैसी दिखने लगी है। गंगा के किनारे बसे लोगों का कहना है कि सतवानी, चैती छठ और रामनवमी पर गंगा के घाटों पर खासी भीड़ लगती थी, लेकिन गंगा के सूखने से रौनक खत्म हो गई है। गुजरात के बनासकांठा में सड़क के किनारे खड़ी एक ऑडी कार धू धू कर जल उठी। हालांकि जब कार में आग लगी तो उस वक्त गाड़ी में कोई मौजूद नहीं था। आशंका जाहिर की जा रही है कि कार में तकनीकी खराबी के बाद आग लगी, लेकिन आसपास की एक दुकान भी आग की वजह से स्वाहा हो गई। दमकल कर्मियों ने बड़ी मशक्कत के बाद इस आग पर काबू पाया। छत्तीसगढ़ के बलौदा बाजार इलाके की एक बस्ती में आग लगने से करीब 60 से ज्यादा घर खाक हो गए। इस आग से कोई जनहानि तो नहीं हुई, लेकिन कई मवेशी झुलस गए। आशंका है कि खेत में लगी आग ने धीरे धीरे बस्ती को भी अपनी चपेट में ले लिया। मध्य प्रदेश के विदिशा में खेतों में लगाई गई आग ने रिहायशी इलाके को भी अपनी चपेट में ले लिया। इससे 22 घर स्वाहा हो गए। बताया जाता है कि प्रशासन की मनाही के बाद भी किसान खर पतवार हटाने के लिए खेतों में आग लगाते हैं, जिससे आए दिन इस तरह की घटनाएं होती हैं। इस आग से किसी की हताहत होने की खबर नहीं है। बिहार में शराबबंदी के बाद शराब की तस्करी की वारदातों में इजाफा हो गया है। ताजा मामला समस्तीपुर का है, जहां ट्रेन में छिपाकर लाई जा रही शराब जीआरपी वालों ने जब्त की है। ये शराब की बोतलें ट्रेन अटेंडेंट के पास से मिली हैं। बिहार के शेखपुरा में शराब न मिलने से एक और मौत की खबर है। सदर अस्पताल के नशा मुक्ति केंद्र में इलाज करा रहे 70 साल के किशन दास ने शराब नहीं मिलने की वजह से दम तोड़ दिया। परिवार वालों के मुताबिक किशन दास बिना शराब के नहीं रह पाता था। मिर्जापुर में ट्रेन के साथ सेल्फी लेने के चक्कर में दो लोगों की मौत हो गई। बताया जाता है कि दो लड़के रेलवे क्रॉसिंग पर ब्रह्मपुत्र मेल की सेल्फी लेने के चक्कर में ट्रेन की चपेट में आ गए। दोनों की मौके पर ही मौत हो गई।
जबकि ट्रेन सवार एक शख्स सेल्फी देखने के चक्कर में चलती ट्रेन से गिर पड़ा, उसकी भी मौके पर ही मौत हो गई। सहारनपुर में भी सेल्फी के चक्कर में एक लड़के की ट्रेन से कटकर मौत हो गई। 10वीं का छात्र कार्तिक, उसे सेल्फी लेने का शौक था। बताया जाता है कि ट्रेन की चपेट में आने के बाद कार्तिक का शरीर करीब आधा किलोमीटर ट्रेन के साथ घसीटता चला गया। उज्जैन में एक टेम्पो और डंपर की जोरदार टक्कर में 11 लोगों की मौत हो गई, जबकि एक की हालत नाजुक बताई जा रही है। बताया जा रहा है कि ये सभी लोग एक ही परिवार के थे। ये टक्कर इतनी जबरदस्त थी कि दोनों गाड़ियों में आग लग गई और धू-धू कर जल उठी। होशंगाबाद के तवानगर इलाके में सड़क पर शेर दिखने से लोगों में डर बैठ गया है। एक ट्रक ड्राइवर ने मंदिर मार्ग पर चहलकदमी करते शेर का मोबाइल से वीडियो बनाया, जिसके बाद ये खबर जंगल में आग की तरह फैल गई। हालांकि शेर बड़े इत्मीनान से टहलता हुआ जंगल में गुम हो गया। राजकोट में एक शख्स ने होटल में खाना खाने के बाद पैसे मांगने पर होटल मालिक की जमकर धुनाई कर दी। पहले तो ये शख्स पैसे मांगने पर रफूचक्कर हो गया, फिर दूसरे दिन बदला लेने की नियत से होटल में घुसा और मालिक पर लोहे की रॉड से हमला कर दिया और फरार हो गया। सारा वाकया सीसीटीवी में कैद हो गया है। आज शाही दंपति आगरा में ताज का दीदार करेगा। ब्रिटेन के प्रिंस विलियम्स और उनकी पत्नी केट मिडलटन एक शहंशाह की मोहब्बत की अजीम निशानी ताजमहल का दीदार करेंगे। शाही दंपति इन दिनों भारत दौरे पर हैं। महाराष्ट्र से बाहर गया आईपीएल का फिनाले बेंगलोर में होगा। आईपीएल गवर्निंग काउंसिल में इस बात का फैसला लिया गया। पहले आईपीएल का फिनाले मुंबई के वानखेड़े स्टेडियम में खेला जाना था, लेकिन सूखाग्रस्त महाराष्ट्र में मैच पर पानी बर्बादी के खिलाफ दायर याचिका में बॉम्बे हाईकोर्ट ने बीसीसीआई को 30 अप्रैल के बाद सभी मैच बाहर कराने के निर्देश दिए हैं। आईपीएल में दिल्ली डेयरडेविल्स ने किंग्स इलेवन पंजाब को 8 विकेट से हराकर पहली जीत दर्ज की। दिल्ली के फिरोज शाह कोटला में खेले गए मुकाबले में दिल्ली ने टॉस जीता और पहले गेंदबाजी का फैसला किया। पंजाब ने 20 ओवर में 9 विकेट पर 111 रन बनाए, जिसके जवाब में दिल्ली ने महज 13 ओवर 3 बॉल में ही लक्ष्य को हासिल कर लिया। आज हैदराबाद का मुकाबला कोलकाता से और मुंबई की भिड़ंत गुजरात से होगी। टेनिस स्टार सानिया मिर्जा ने हैदराबाद में टेनिस और बैडमिंटन कोर्ट का उद्घाटन किया। सानिया ने देश में दोनों खेलों को बढ़ावा देने के लिए किए जा रहे प्रयासों की सराहना की। जापान पिछले 3 दिनों में एक के बाद एक आए भूकंप के झटकों से दहल गया है। बीती रात जापान के कुमामोटो शहर में आए भूकंप की तीव्रता 7.4 मापी गई। जापान में लगातार आ रहे भूकंप को देखते हुए सुनामी अलर्ट जारी कर दिया गया है। जापान में भूकंप से तबाह हुए इलाकों में बचाव का काम जोरों पर है। बचाव कर्मियों ने तबाह हुए घर से 8 महीने के बच्चे को सही सलामत बचाया है। खबरों के मुताबिक जब भूकंप आया था तो बच्ची घर के फर्श पर सो रही थी। बच्ची की माँ और नानी को भी बचाव कर्मियों ने सकुशल निकाल लिया है।